नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जहां बहुमत से कहीं आगे निकल गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल है। 2017 के मुकाबले इस बार दोनों ही चरणों में कम मतदान हुआ है। पहले चरण में 7.20 लोगों ने वोट डाला था, जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64.39% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब ये समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम यहाँ पर अपनी सरकार बना रहे हैं, यहाँ पर जी हाँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली हैं। और यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को 7 से 8 ही सीटें मिल रही। भाई आपको बता दें कि कल अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के रिजल्ट के दौरान ये दावा किया था कि कल हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि गुजरात की जनता लगातार ये कह रही है। गुजरात की जनता से सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खेमे में जाएंगी। लेकिन आज ऐसा भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ रही हैं लेकिन आम आदमी पार्टी स्थिर हो गई है सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 सीटों पर। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर आज गुजरात थू कर रहा है, क्या उनका गुजरात में प्रवेश करना ठीक था? क्या अभी शाम तक जो रुझान आएंगे उसमें अरविंद केजरीवाल क्या 20 सीटों को लेकर आ पाएंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि रुझानों में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा फिर आगे निकल गई पैच। वहीं आपको बता दें कि रुझानों में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा फिर से आगे निकल गई हैं। कुछ देर पहले ये देखा जा रहा था कि रविंद्र जडेजा की पत्नी पीछे हो गई है, कांग्रेस ने उनको बड़ी मात दे दी थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस फिर से पीछे हो गई है। और आपको साफ तौर पर बता दें कि कांग्रेस भी गुजरात में इस बार अपनी पार्टी बनाने के लिए नहीं जा रही है। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गुजरात में सड़क पर हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि वोटिंग दोबारा की जाए। क्या आप ये जिस तरीके से यहां पर आंदोलन देखने को मिल रहा है गुजरात के अंदर, क्या वो ठीक है? क्या आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर निखार पाएगी? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।